सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि राठौर और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे YouTube स्टूडियो बीटा की जो अपलोडिंग प्रोसेस है उसके बारे में, क्योंकि हमारे जो नए YouTube स्टूडियो बीटा में जो अपलोडिंग सिस्टम आया है उसमें किस प्रकार की अपलोडिंग होती है और उसमें आपको क्या क्या करना होगा अपने वीडियोस अपलोड करने के लिए, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, जब हम हमारे क्रिएटर स्टूडियो में जब अपलोडिंग करते थे तो जब हमें अपलोडिंग का ऑप्शन आता था, हम अपलोड के आइकन पर क्लिक करते थे तो वहाँ पर एक ही पेज होता था जिस पर हमें वीडियोज़ डालना होता था, अपने टाइटल का नाम डालना होता था, अपने डिस्क्रिप्शन डालने होते थे और अपने टेक्स्ट डालने होते थे, प्लस हमारा थंबनेल, यानी टोटल चीज़ें हमें एक ही पेज पर करने को मिल जाती थी। लेकिन अब स्टूडियो बीटा में यह अपडेट हुआ है कि आपको अपलोडिंग करने के लिए 3 स्टेप क्लियर करनी होंगी, इसके बाद ही आपका वीडियो अपलोड प्रोसेस के लिए तैयार होगा। तो वो क्या प्रोसेस होंगी, हम सारी जानकारी आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। हो सकता है आपके लिए ये स्टेप समझना आसान भी हो और आप जल्दी से इसे समझ भी जाए, ताकि आपके आने वाले समय में आपको ये काम देगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर अपलोड प्रोसेस को समझते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको दोनों प्रोसेस बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल की। ये देखिए, हमारा ये क्रिएटर स्टूडियो है और ये हमारा स्टूडियो बीटा है। तो इन दोनों में किस तरह की अपलोडिंग की जाती है, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, तो चलिए हम पहले हमारे क्रिएटर स्टूडियो में अपलोड करके देखते हैं ये अपलोड वीडियो। देखिए, यहाँ पर नीचे हमें नोटिस भी या नोटिफिकेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, हमें न्यू स्टूडियो अपलोडर यानी जो स्टूडियो बीटा का जो अपलोडर है वो अपडेट हो चुका है। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं और कुछ भी अपलोड करते हैं। एक वीडियो हमने रखा हुआ है हमारे डेस्कटॉप पर, ये देखिए। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपके वीडियो की प्रोसेस चालू रहती है। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना यहाँ पर टाइटल देना होता है। जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ ABC, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टैग डाल सकते हैं, ठीक है, और देन यहाँ से आप अपना कस्टम थंबनेल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बना हुआ, ठीक। तो यह स्टेटस थंबनेल देखिए, ये हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा थंबनेल हो चुका है, जो कि कस्टम थंबनेल है। इसे हम बदल भी सकते हैं बाद में, लेकिन अब स्टूडियो बीटा में किस तरीके की अपलोडिंग हो रही है और आपके लिए क्या क्या स्टेप आपको क्लियर करनी पड़ेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए हम स्टूडियो बीटा पर चलते हैं। हमारा स्टूडियो बीटा ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा स्टूडियो बीटा का डैशबोर्ड है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे फंक्शंस आते हैं और लिखावट काफ़ी इतनी अच्छा दिखाई देता है कि समझ लिए बंदा कोई बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस का जो भी क्रियाएं वो यहाँ पर शो हो रही है। तो हम यहाँ पर इस अपलोडिंग वाले सिस्टम पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपलोड वीडियो बीटा न्यू, और ये जो है हमारा पुराना ही है। अब हम न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट फाइल एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर हम उसी वीडियो को अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं समझने के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए अब क्या हो रहा है, आपकी वीडियो प्रोसेस यहाँ आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ आपको आपकी वीडियो प्रोसेस दिखाई देगी, यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप हो गई। बेसिक स्टेप आपको क्लियर करनी है, जहाँ पर आपको अपना टाइटल, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है जो चाहें आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका मोनिटाइजेशन ऑटोमेटिकली ऑन रहता है और यहाँ पर आपको नीचे एक थंबनेल चूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप थंबनेल चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपके अगर नॉर्मल चैनल से तो आपको सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट डालने हैं, ठीक है। ये ऑप्शन तब खुलते हैं हमारे जब हमारा वीडियो अपलोड हो चुका होता है, ठीक है। टेक्स्ट हमारा ओपन है, यहाँ पर हम वीडियो से संबंधित टैग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बस वीडियो, एक बस का वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरी स्टेप पर जाते हैं,
ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास नीचे आ चुका है कि फाइल इसे डुप्लीकेट ऑफ ए वीडियो यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यानी हमने यहाँ पर अपलोड किया है लेकिन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, हमारे पास इसका मैसेज आ चुका है, तो हम इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये आपकी थर्ड स्टेप है, यहाँ पर आपकी फाइनल प्रोसेस रहेगी, यहाँ से आपको वीडियो अनलिस्टेड करना है या पब्लिक करना है या प्राइवेट, तो पब्लिक ही करना होगा आपको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है, ठीक, यहाँ पर आपको डन कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ से इसे जैसे ही पब्लिश किया, इसके बाद हम जाएंगे हमारे वीडियो मैनेजर में, यहाँ से हम उसे डिलीट करेंगे, फिर आपको हमारी सारी प्रोसेस फिर से बताएंगे, यानी जो हमारी स्टूडियो बीटा की प्रोसेस है वो आपको जल्द ही बताएंगे। इसे हमने यहाँ से किया रिमूव, ये हुआ हमारा सिलेक्ट, इसके बाद एडिट में जाके हम इसे डिलीट करेंगे, सॉरी ये रहा हमारा डिलीट, ये हमने डिलीट किया, ठीक है, ये हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो द्वारा अपलोड किया था वो डिलीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर हमारे जो वीडियो की प्रोसेस रहेगी वो फिर से हम फटाफट से कर लेते हैं। हमारे पास अभी यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है, ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, अगर हुआ तो ठीक, चलिए हम फिर से अपलोड करते हैं, ये अपलोड बटन पर हमने क्लिक किया, ये हमारा वीडियो, ये हमने, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर थंबनेल, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका हम बताएंगे टैग्स, जो कि आपके काम का है, और थर्ड में आपको क्या करना है, आपके वीडियो को आपके पास अनलिस्टेड रखना है या पब्लिक करना है, आपको पब्लिक ही करना होगा अगर आप सभी को दिखाना चाहते हैं, देन यहाँ पर डन कर देना है, इसके बाद आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और सभी लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे। तो ये डन वाला ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने आपको फिर से बताया, हालांकि आपके समझ में आ गया लेकिन मेरी प्रोसेस आपको पूरी तरह से समझ आया इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसे हम करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके का अपडेट आया यूट्यूब स्टूडियो बीटिया में अपलोडिंग सिस्टम के ऊपर। इन तीन स्टेप को क्लियर करके आप अपने वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं, जैसा कि पहले क्रिएटर स्टूडियो में होता था, हालांकि अभी भी हो रहा है लेकिन अब ज़्यादातर स्टूडियो बीटा में ही काम होगा और इसे क्रिएटर स्टूडियो को परमानेंटली हटा दिया जाएगा। तो यही बात आपके साथ शेयर करनी थी, प्लस आपको बतानी थी कि जो स्टूडियो बीटा की अपलोडिंग सिस्टम है वहाँ पर अपडेट हो चुका है और हो सकता है कि पूरे क्रिएटर स्टूडियो को अब कुछ समय में ही बंद कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।